एमएस एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप जानेंगे क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में। क्विक एक्सेस टूलबार मेन्यू बार के ऊपर लेफ्ट साइड में होता है। जैसा कि इसका नाम है क्विक एक्सेस, मतलब जिसे हम तुरंत इस्तेमाल कर सकें या जिस पर हम तुरंत पहुंच सकें। इस टूल बार में वो कमांड्स रखी जाती हैं जिनकी हमें अक्सर जरूरत पड़ती है। इसमें बाय डिफॉल्ट तीन कमांड्स होती हैं, सेव, अंडू और रीडू। इन कमांड्स के बाद आपको एक डाउनवर्ड एरो दिखेगा जिसकी मदद से आप क्विक एक्सेस टूल बार में उपयोगी कमांड्स ऐड कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो गया है। अभी इसमें केवल तीन कमांड्स के सामने टिक मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये क्विक एक्सेस टूल बार में पहले से ही हैं। अब बाकी कमांड्स में से जो भी कमांड आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं उन पर क्लिक कर दें। जैसे उदाहरण के लिए हम इस मेन्यू में से न्यू कमांड को ऐड करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए न्यू कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो गया है। अब अगर आपको इस ऑप्शन को यूज करना है, यानी अगर आपको कोई नई फाइल लानी है, तो उसके लिए फाइल में जाकर के न्यू पर क्लिक करने की बजाय आप सीधे क्विक एक्सेस टूल बार में न्यू पर क्लिक कर दें। ये देखिए ये नई फाइल आ गई है। अगर हमको इसे हटाना हो तो वापस न्यू पर क्लिक करके ये टिक हटा देंगे तो ये यहाँ से हट गया। आइए अब हम क्विक एक्सेस टूल बार के कुछ अन्य ऑप्शंस देखते हैं। इसके लिए हम इसे दोबारा ओपन करेंगे। इसमें मोर कमांड्स ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही एक नई विंडो ओपन होगी। चूंकि हमने क्विक एक्सेस टूल बार के लिए ये विंडो ओपन की है तो यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार सिलेक्टेड है। आपको इस लिस्ट में कई सारे कमांड्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आप कोई भी कमांड सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इन कमांड्स में से कॉपी कमांड ऐड करना चाहते हैं तो हम उस पर क्लिक करेंगे और फिर ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही ये देखिए कॉपी कमांड इस लिस्ट में ऐड हो गया है। जिस तरह हमने एक कमांड ऐड किया है उसी तरह आप इस लिस्ट में से और भी कमांड्स ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से हमने ये कमांड्स ऐड किए हैं उसी तरह से इन्हें रिमूव भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम न्यू फाइल कमांड को रिमूव करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके रिमूव बटन पर क्लिक कर दें। ये देखिए न्यू फाइल कमांड यहाँ से रिमूव हो गया है। इसके अलावा यहाँ दिए गए अपवर्ड और डाउनवर्ड एरोस की सहायता से आप ये सेट कर सकते हैं कि कौन सा कमांड आपको पहले चाहिए और कौन सा बाद में। उदाहरण के लिए हमें कॉपी कमांड सेव से पहले चाहिए तो हम कॉपी कमांड को सिलेक्ट करेंगे और इस अपवर्ड एरो पर तब तक क्लिक करेंगे जब तक यह कमांड सबसे ऊपर ना आ जाए। इसी तरह से डाउनवर्ड एरो की सहायता से आप किसी भी कमांड को नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम सेव कमांड को रीडू के बाद चाहते हैं। ये देखिए ये रीडू के नीचे आ गया है। अब इसे सेव करने के लिए ओके पर क्लिक कर दें। अब ये देखिए जो भी सेटिंग हमने की थी वो यहाँ ऊपर आपको नजर आ रही है। ये कॉपी कमांड सबसे पहले आ गई है और सेव कमांड रीडू के बाद में आ गई है और जो भी नए कमांड्स हमने ऐड किए हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्विक एक्सेस टूल बार में कमांड्स ऐड करने का एक और तरीका है। उदाहरण के लिए हमें पेज लेआउट टैब के रिबन में दिख रही बैकग्राउंड कमांड को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना है। उसके लिए हम बैकग्राउंड कमांड पर राइट क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही देखिए ये एक मेन्यू ओपन हुआ है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए ये कमांड क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो गई है। अब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबसे आखिरी ऑप्शन है शो बिलो द रिबन। इस ऑप्शन को क्लिक करने पर क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे आ जाएगा। ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे शिफ्ट हो गया है। इसे वापस ऊपर शिफ्ट करने के लिए क्विक एक्सेस टूल बार पर राइट क्लिक करें और शो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन पर क्लिक कर दें।
आप क्विक एक्सेस टूलबार में दी गई कमांड्स को शॉर्टकट कीज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको अपने कीबोर्ड की अल्टर की प्रेस करना होगी। उसे प्रेस करते ही आपको क्विक एक्सेस टूलबार में नंबर और टैब्स पर अल्फाबेट्स दिखने लगेंगी। इन नंबर्स और अल्फाबेट्स को कीबोर्ड पर प्रेस करने पर ये ऑप्शन अप्लाई हो जाएंगे। मान लीजिए हम प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो नंबर दिया है वो है 7। तो हम कीबोर्ड पर 7 नंबर वाली की प्रेस कर देंगे। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू आ गया है। इसी तरह जब भी आपको यहाँ दी गई कमांड्स शॉर्टकट के द्वारा यूज करना हो तो अल्टर की प्रेस करें। सारे नंबर्स और ये अल्फाबेट वापस यहाँ आ जाएंगे, फिर आप इसमें से जिसका भी उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार में जितने भी कमांड्स ऐड होते जाएंगे नंबर इस तरह से बढ़ते जाएंगे, जैसे 9 के बाद 09, 08, 07 इत्यादि। MS Excel 2016 के इस अध्याय में आपने जाना क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में।